लाइव हो जाएगा तो बता देना, हमने लाइव किया है। हेलो, नमस्कार। आज के इस भूमंत्र सेशन में आप सभी प्रियजनों का, अरविंद सिंह का नमस्कार। आज के इस सेशन में मैं अरविंद सिंह आज की टॉपिक जो पहले से विदित है कि लॉकडाउन इम्पैक्ट और भविष्य में इसके परिणाम स्वरूप जो कुछ भी चिंताएं होने वाली है उस पे चर्चा करने वाले हैं। इस टॉपिक को लेकर के बहुत कुछ कहना है। ये टॉपिक किसी खास वर्ग के लिए नहीं है, लेकिन फिर भी जो लोग 18 साल से अधिक के हैं उन सब लोगों के लिए ये टॉपिक बहुत महत्वपूर्ण है, खास करके उन लोगों के लिए जो किसी न किसी प्रकार से अपने घर की आर्थिक अर्जन करने में डायरेक्टली या इनडायरेक्टली इन्वॉल्व है। तो इससे पहले कि मैं अपनी बात को आगे बढ़ाऊं, आप सब लोगों से अनुरोध है कि अपने जो भी आपके लोग हैं, कॉन्टैक्ट्स हैं, जो मित्र हैं, जो बंधु हैं, जो ग्रुप्स हैं, जो पेज हैं, उन पे इस लिंक को शेयर करें और उन लोगों को भी लाभान्वित होने का अवसर प्राप्त करें, प्राप्त होने दें, ताकि उनको भी इसका भरपूर फायदा मिल सके। ये सेशन बहुत इम्पोर्टेंट है और ये आपके आने वाली समय के लिए, आपकी आने वाली पीढ़ी के लिए, आपके बाल बच्चों के लिए भविष्य की दिशा और दशा दोनों ही तय करेगा। जहां तक मैं समझता हूं कि ये सेशन अभी जो वर्तमान परिस्थितियां हैं उसके मद्देनजर रखी गई है, तो आने वाले समय में इसका क्या प्रभाव पड़ेगा, उसी प्रभाव के मद्देनजर जो भविष्य में इसके चलते जो इम्पैक्ट पड़ेगा, जो प्रभाव पड़ेगा आपके व्यक्तिगत जीवन पे, आपके सामाजिक जीवन पे, आपके आर्थिक जीवन पे और आपके रहन सहन पे, आपकी आर्थिक दशा और दिशा तय करेगी। तो इसलिए इससे संबंधित कुछ हमारी आंकड़े हैं, कुछ अपने अनुभव के आधार पर एक्सपीरियंस है ऐसी जिसकी चर्चा हम करेंगे। उसके आधार पे सबसे महत्वपूर्ण जो वर्तमान परिदृश्य है उसकी करते हैं कि वर्तमान परिदृश्य में जैसा कि आप सब लोग देख रहे हैं कि इस समय देश पूरा चारों तरफ से कहीं लॉकडाउन तो कहीं कंप्लीट सेल, कहीं कहीं कर्फ्यू के जैसा माहौल बना हुआ है और पूरा देश पिछले आज लगभग 18 दिन से, हालांकि लॉकडाउन का ये 18वां दिन लगभग है, 17वां दिन है, बट 18 दिन 17 दिन से पूरी तरह से लॉकडाउन के चपेट में है। मनोज जी आपको नमस्कार मेरा, और आप सभी लोगों को भी नमस्कार फिर से एक बार जो लोग अभी भी जुड़े हैं। तो अब मैं ये कह रहा था कि अभी जो लॉकडाउन की परिस्थितियां हैं, शुरुआत में सबको लगा था कि बहुत ही नॉर्मल चीजें होंगी और 21 दिन का लॉकडाउन हालांकि बहुत बड़ा था, लेकिन उसके बाद भी लगा था, लोगों को उम्मीद बंधी थी कि 21 दिन के बाद सब कुछ ठीक हो जाएगा और हम अपने काम पे लौट पड़ेंगे।
लेकिन ऐसा अभी प्रतीत होता नहीं है। सरकार के अलग अलग प्रतिनिधियों के माध्यम से जो संकेत प्राप्त हो रहे हैं, उस संकेत के आधार पर आप देख पा रहे होंगे कि ऐसा लगता है जो राज्य सरकारों का अनुरोध है, जो और तरह तरह के विभिन्न क्षेत्रों के जो एक्सपर्ट लोग हैं उनकी रिकमेंडेशंस हैं, उसके आधार पे ऐसा लग नहीं रहा कि लॉकडाउन इतनी जल्दी से तत्काल खत्म होने वाला है। ये लॉकडाउन अगले 1 महीने तक किसी न किसी स्वरूप में चलता ही रहेगा। हो सकता है कि ये 2 महीने भी चले, इसके स्वरूप थोड़े बहुत बदलते रहेंगे, लेकिन 1-2 महीने तक ये चलेगा। इस लॉकडाउन में अपने समाज और अपने क्षेत्र की बातें मैं करूंगा। आज मैं थोड़ा सा व्यक्तिगत होना चाहूंगा, व्यक्तिगत इन द सेंस कि हम अपने समाज और लोगों की, खास करके बिहार के लोगों की, और हालांकि देश में, पूरे देश में बिहार के लोग हैं तो पूरे देश की ही सार्थक बातें करूंगा, लेकिन मैं खास करके अपने समाज और अपने आसपास के लोग, जहां से हम हैं वहां के लोगों की बातें करूंगा कि किस तरह से ये आपके दैनिक जीवन, आने वाले भविष्य पे इम्पैक्ट डालेगा। तो जो सबसे महत्वपूर्ण बात है, अब हम असली बात शुरू करते हैं कि जो वर्तमान परिदृश्य है, जैसा कि मैं कह रहा था, ये आने वाले 1-2 महीने तक इसी तरह से किसी न किसी स्वरूप में चलता रहेगा। उसके बाद भी क्या परिस्थितियां बनेंगी ये अभी कहा नहीं जा सकता। आए दिन जिस तरह से लगातार कोरोना के मामले बढ़ रहे हैं, केस बढ़ रहे हैं, इससे चिंता होना सबको स्वाभाविक है और आप सब भी चिंतित होंगे। न कि सिर्फ कोरोना के बढ़ते मामले को देख करके अपनी सुरक्षा के प्रति, अपने परिवार के प्रति, अपने समाज के प्रति, बल्कि इसके साथ साथ आपकी और भी चिंताएं होंगी कि आपकी आमदनी का स्रोत, आपकी आर्थिक परिस्थितियां कैसी रहेंगी इसके बाद। ये एक बहुत बड़ा विषय है जिसपे बात करना जरूरी है, क्योंकि अगर अभी हम इस पे कुछ प्लानिंग नहीं करेंगे तो 2-3 महीने बाद जो इसके प्रभाव दिखने शुरू होंगे वो अगले 1-2 साल तक चलेंगे, और उस 1-2 साल के लिए हमें अपने आप को मानसिक रूप से दृढ़ बनाए रखना तभी संभव होगा जब हम अभी के से उसकी प्लानिंग करें। क्या होगा और कैसे होगा ये तो भविष्य के गर्त की बात है, भविष्य की बात है, लेकिन कुछ जो हमने पढ़ाई लिखाई जितनी की है, जितने इंटरनेशनल जर्नल पढ़े, जितने तरह तरह के हमने इंटरनेशनल टेलीविजन के जरिए एक्सपर्ट की व्यूज देखे, और जो हमारी अपनी अनुभव है उसके आधार पर हम ये कह सकते हैं कि आने वाले समय में जब ये कोरोना लॉकडाउन खत्म होगा तो बहुत से जो कारखाने हैं, बहुत सी फैक्ट्रियां जो है, बहुत से प्राइवेट जो नौकरियां हैं, उनमें बहुत बड़ा जर्क होगा, और जो कंपनियां, जो फैक्ट्रियां, जो प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन या किसी भी तरह के एस्टेब्लिशमेंट हैं, वो 2-3 महीने बढ़ने बैठे रहने की वजह से, 2-3 महीने उसमें काम और फंक्शन ना होने की वजह से, फंक्शन ना होने की वजह से उनके 2-3 महीने का ओवरहेड, कुछ फिक्स एक्सपेंसेज होती है, फिक्स एक्सपेंसेज मसलन किराया, मसलन मेंटेनेंस, मसलन और भी सारी चीजें हैं जो मशीन और जो आपने सर्विस ली हुई है, कई सारी ऐसी जगह है जो आपने टेक्नोलॉजी ली हुई है उसकी भी मंथली रेंटल होती है, कोई सर्वर है उसका किराया होता है, तो बहुत सारे तरह तरह के फिक्स एक्सपेंसेज हैं जो फिक्स एक्सपेंसेज उस कंपनियों पे, उस फैक्ट्री मालिक पे, उस और एस्टेब्लिशमेंट पे ओवरहेड के रूप में ऑलरेडी बहुत ज्यादा हो जाएगा। ये फिक्स एक्सपेंसेज उनकी कमर तोड़ने के लिए पर्याप्त होगा। मसलन क्या होगा कि कंपनियां अपने खर्चों में कटौती करना शुरू करेंगी, कुछ कंपनियां जो हैं वो एम्प्लॉयज को कम सैलरी देना शुरू करेंगी, कम सैलरी ऑफर करेंगी कि भाई अब इतने सैलरी पे काम करना है तो कीजिए, नहीं तो नहीं कीजिए। बहुत सारी ऐसी कंपनियां होंगी जो कर्मचारियों की छंटनी शुरू करेगी, एक्सेस जो लोग होंगे उनको हटाया जाएगा, जो लोग उसमें बच जाएंगे उनसे इतना काम उनको दिया जाएगा, क्योंकि जो लोग हटाए जाएंगे तो काम वही रहेगा लगभग, इसलिए उन पर वर्कलोड ज्यादा होगा, तो
उसके लिए भी अगर आपकी नौकरी बची हुई रहेगी तो उसके लिए भी मानसिक रूप से इतने मजबूत होना है कि आप उस संघर्षमय जीवन को और आप जो एक्स्ट्रा लोड आपके ऊपर आएगा उसको आप संभाल सके। वरना जो नहीं संभालेगा, जो इसलिए एफिशिएंट इतने एफिशिएंट नहीं होगा, जो एक्स्ट्रा वर्कलोड को भी परफॉर्म कर पाए उसको कंपनियां छुट्टी कर देगी। मतलब ये कि मेरा एक अनुमान है जो ऐसा दिखने से लग रहा है, जो तरह तरह के जर्नल और अलग अलग विशेषज्ञों की राय, चूंकि सारे विशेषज्ञों को आप सुन नहीं सकते, तो हमने आपके लिए उन सब की राय और सब जर्नल को पढ़ के ये जो जानकारियां इकट्ठी की है, उस जानकारियों के आधार पर मेरा एक अनुमान है कि लगभग अगर ये जून जुलाई तक चलता रहा तो 50% नौकरियां जो प्राइवेट सेक्टर की है, जो अनऑर्गेनाइज सेक्टर है और जो सेमी ऑर्गेनाइज सेक्टर है, उनकी 50% नौकरियां चली जाएंगी। मतलब ये हुआ कि एक बड़े पैमाने पे पहले से ही बेरोजगारी है और उसके बाद फिर इतने ज्यादा बड़े पैमाने पे लोग बेरोजगार होंगे तो उनका भरण पोषण कैसे होगा, उनकी परिवार कैसे चलेगा। इस संख्याओं में, जो संख्याएं हम बता रहे हैं, इस संख्याओं में सवर्ण जाति के भी बहुत सारे लोग हैं जो कि प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशंस में काम कर रहे हैं। आजकल सरकारी नौकरी बहुत कम लोगों के पास है, तो इन तरह के सेमी ऑर्गेनाइज्ड और अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर में बहुत सारे लोग काम कर रहे हैं, खास करके बिहार के लोगों की। जैसा कि मैंने पहले कहा था कि बिहार के लोगों की मैं बात करूंगा, सवर्ण समाज के लोगों की बात करूंगा और उन लोगों की भी बात करूंगा जो इस तरह के फील्ड में काम करते हैं, तो ऐसे लोगों की नौकरियां जाएगी। जो देश की अर्थव्यवस्था है वो अभी के अनुमान के अनुसार ऐसा लग रहा है कि ये जो जीडीपी का ग्रोथ होगा ये और नीचे जाएगा और ये लगभग 2 से 3% के बीच में रह जाएगा। ऐसा निश्चित रूप से नहीं कहा जा सकता। ये सारी निगेटिव बातें इसलिए अभी मैं कह रहा हूं कि लिस्ट एक्सपेक्टेशन हमेशा ही फायदेमंद होता है। अगर आपकी एक्सपेक्टेशन लिस्ट है और उससे कुछ ज्यादा हो रहा है तो आपको हमेशा खुशी मिलती है। पिछले एक संभाषण के दौरान हमने ये बात कही थी और उस पे एक ये भी छोटा सा स्टोरी भी सुनाया था गांव वालों की, कि कैसे पिताजी 50,000 रुपये ट्रांसफर किए बच्चे ने और पिताजी ने 50,000 रुपये लेके दुखी थे, बच्चा 50,000 दे के दुखी था। उसी तरह से आज मैं ये कह रहा हूं कि आप लिस्ट एक्सपेक्टेशन रखिए, वर्स्ट सिचुएशन से जो भी थोड़ा सा बेहतर होगा उसमें आपको खुशी मिलेगी। तो ये सब जो एक अर्थव्यवस्था की परिस्थितियां आने वाले सालों में उत्पन्न होगी उसको भरपाई करने में बहुत वक्त लग सकता है। भगवान न करे कि ऐसा हो, लेकिन अगर ऐसा हुआ तो इसको भरपाई करने में बहुत वक्त लगेगा। सरकार के पास भी अपने स्रोतों को, आय के स्रोतों को फिर से संगठित करने की जरूरत पड़ेगी, फिर से परिभाषित करने की जरूरत पड़ेगी। हो सकता है कि सरकार नए तरह के कर और इम्पोज करे, जो मिडिल क्लास फैमिली है उसको और ज्यादा कंट्रीब्यूट करना पड़े, क्योंकि आप देखते हैं कोई भी एक नया जब चीज होती है तो उसके लिए एक सरप्लस चार्जेज लगा दिया जाता है। कॉमनवेल्थ गेम दिल्ली में हुआ और कॉमनवेल्थ गेम के लिए क्या हुआ कि उसके लिए अतिरिक्त 1% सरचार्ज लगाया गया। जब कोई जमीन की रजिस्ट्री वगैरह होती थी तो जो जमीन की रजिस्ट्री का खर्च था उस पे 6-8% मेल और फीमेल के हिसाब से तो लगता ही था, लेकिन 1% अलग से जो रजिस्ट्री मूल्य था उसका एक 1% अलग से डीडीसी के नाम पे ड्राफ्ट बनता था। और वो कॉमनवेल्थ गेम कब का खत्म हो गया, उसके घोटाले भी आ गए नजर में, सब कुछ हो गया, बट लेकिन उसके बाद भी सालों तक, और इवन मुझे अभी जानकारी नहीं है क्योंकि अभी मैंने ऐसी कोई खरीद बिक्री नहीं की, लेकिन मेरी जानकारी है कि अभी भी शायद वो 1% एक्स्ट्रा खर्च लगता ही रहता है दिल्ली जैसे शहर में, क्योंकि दिल्ली में हुआ था, दिल्ली सरकार ने उसको 1% लगाया था एक्स्ट्रा सरचार्ज के रूप में। तो ऐसे कई सारे सरचार्ज भविष्य में हो सकता है कि सरकार को लगानी पड़े, एडिशनल टैक्स लगाने पड़े, और इन सब चीजों को, क्वेश्चन आ गया था किसी का, लेकिन वो पजल से संबंधित था, उसका जवाब मैं बाद में दूंगा।
इन सब चीजों को काउंटर अटैक करने के लिए मिडिल क्लास सबसे ज्यादा सफर होगा। जो लोअर मिडिल क्लास है, जो मजदूर वर्ग है, जो सबसे नीचे के लोग हैं, उनके लिए सरकार ने अपनी तहखाने खोल दिए हैं और आने वाले समय में भी खोलेगी। उनकी देख रेख की चिंता सरकार को भी है, प्रशासन को भी है, समाज के लोगों को भी है, और उनके लिए जो उनका जीवन स्तर है उसको सुधारने के लिए तरह तरह के एनजीओ और तरह तरह की संस्थाएं और बड़ी बड़ी कंपनियां उनके लिए काम करेंगी और आगे भी कर रही हैं और आगे भी करेंगी, ये निश्चित रूप से कहा जा सकता है। सरकार भी उनके लिए जो भी संभव हो सकेगा, इस सरकार का कर्तव्य भी है और सरकार करेगी भी। जो अमीर वर्ग है उसको बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, उसकी बैंक बैलेंस में बहुत थोड़ा बहुत फर्क पड़ जाएगा, लेकिन उसके दैनिक जीवन में और उसके आने वाले खर्चों में के लिए उसको तरसना नहीं है, उसको परेशान नहीं होना है। तो ये सारा जो भार पड़ेगा वो किस पे पड़ेगा, तो वो मिडिल क्लास लोगों पे पड़ेगा, जिनको न तो कोई नरेगा में कुछ मिलता है, न तो उनको उज्ज्वला जो योजना में कुछ मिलता है, न उनको गरीबी रेखा के वजह से कोई राशन कार्ड में कुछ मिलता है। ऐसे लोगों को न तो उनको कोई लोअर मिडिल इनकम ग्रुप का कोई फायदा मिलता है। तो ऐसा कोई जिनको की फायदा कुछ नहीं मिल रहा है और वो 20,000 से लेकर के और 50,000, 60,000 या 80,000 रुपये महीने तक किसी न किसी तरह से कमा रहे हैं और खास करके सवर्ण जाति के हैं, तो उन लोगों के ऊपर बहुत बड़ा दबाव आने वाला है। और ये वर्ग की चिंता किसी को नहीं है, न सरकार को, न राजनीतिक पार्टियों को, न सो कॉल्ड सोशलिस्ट लोगों को, न बड़े बड़े उद्योगपतियों को, न कोई किसी प्रकार के एनजीओ को, किसी को इनकी चिंता नहीं है। मैं आज उन्हीं वर्ग के भविष्य के प्रति बहुत चिंतित हूं और इसमें बड़ी संख्या में हमारे समाज के लोग आते हैं और हमारे जैसे लोग आते हैं। मैं भी उन्हीं में से एक हूं जो कि इस तरह के इनकम किसी न किसी तरह से इतने इस रेंज में कमाते हैं या इससे थोड़ा सा ज्यादा कमाते हैं, लेकिन जो जितना ज्यादा कमाता है उसका उसी हिसाब से खर्च रहता है। अगर 2-3 महीने का भी किसी तरह से लॉकडाउन में कोई इनकम नहीं होती है तो उसको कंपेंसेट करने के लिए साल भी लग सकता है, ज्यादा भी लग सकता है, और ये तब होगा जब आपके पास नौकरी रहेगी। अगर नौकरी नहीं रही तब क्या होगा, ये चिंता करने की जरूरत है। ऐसी स्थिति से, परिस्थितियों से निपटने के लिए क्या किया जाना चाहिए, यही सबसे अहम बात है। कि अब देखिए, बहुत सारे सरकार, अभी आज मैं न्यूज़ देख रहा था, यूपी सरकार, यूपी गवर्नमेंट जो रेहड़ी लगाने वाले, ठेले लगाने वाले या ऐसे जो कमाने वाले लोग हैं उनको भी सारी सुविधाएं मुहैया करा रही है। उनके लिए भी कुछ ना कुछ सरकार के पॉकेट में है कि उनका इनकम नहीं हो रहा, चाहे वो ई रिक्शा चला रहे हों, चाहे रिक्शा चला रहे हों, चाहे टेम्पू चला रहे हों, चाहे किस तरह का चला रहे हैं, इन सब लोगों के लिए। हालांकि ये सब लोग, मैं आपको कह सकता हूं कि हमारे जैसे लोगों से बहुत ज्यादा कमाते हैं, जो मिडिल क्लास में अपने सजातीय लोगों के जो 20-25-30 हजार रुपये महीना कमाने वाले जो युवा वर्ग है उनसे ये बहुत ज्यादा कमाते हैं, लेकिन फिर भी इनकी चिंता सरकार कर रही है क्योंकि इनका अभी इनकम नहीं है। और उनकी चिंता कौन करेगा जो इस तरह के अपने कौशल से, अपने स्किल से, अपने इंटेलिजेंस से किसी न किसी कंपनी में, किसी न किसी ऑर्गेनाइजेशन में, किसी न किसी एस्टेब्लिशमेंट में काम कर रहे हैं। उन स्किल्ड वर्कर की भी कोई चिंता नहीं कर रहा। आने वाले समय में इन सब लोगों के लिए बहुत बड़ा दबाव होगा क्योंकि टैक्स भी इन्हीं को देना होता है, सरचार्ज भी इन्हीं को देना पड़ेगा, ईएमआई भी यही लोग भरते हैं, और अपने परिवार को भी इन्हीं को चलाना है, अपने बच्चों को भी इन्हीं को पढ़ा के थोड़ा आगे बढ़ाना है। इन्हीं के बच्चे न तो सरकारी स्कूल में भेज सकते हैं, न बहुत बड़े हाई फाई स्कूल में भेज सकते हैं, कुल ले दे करके अपने कैपेसिटी के हिसाब से लोग पब्लिक स्कूलों में भेजते हैं। तो ऐसे लोगों का सब तरह से खर्च है। अभी दिल्ली के सरकार, दिल्ली के मुख्यमंत्री का एक दिन संभाषण में सुन रहे थे, उन्होंने कहा कि भाई अगर स्कूलों को बोल दिया जाए कि फीस न लें तो अपने टीचर्स को कहाँ से पेमेंट करेंगे। ये बात तो सब जगह लागू होती है,
क्या फैक्ट्री मालिक कहाँ से पे कर देंगे? जो ऑर्गेनाइजेशन बंद पड़ी है, कोई कोचिंग इंडस्ट्री है, अगर वो 2 महीना बंद है, 3 महीना बंद है, वो अपने टीचर को कहाँ से सैलरी पे कर देगा और कौन उसको पेमेंट कर देगा? क्या कोई कोचिंग इंडस्ट्री में कोई किसी टीचर को पेमेंट करने के लिए जो बच्चे हैं जिन्होंने एडमिशन ही नहीं लिया, वो क्या पेमेंट कर देंगे या उनके पेरेंट्स पेमेंट कर देंगे? ऐसा बिल्कुल नहीं। तो ऐसा ही किसी फैक्ट्री में भी हो सकता है, जो फैक्ट्री बंद है, जो जिनका काम ही नहीं चल रहा है, जिनके पास खुद ही पैसे नहीं है, वो दूसरे को कहां से देंगे? तो ऐसी स्थितियां, परिस्थितियों में नौकरियां जाएंगी ही जाएंगी। और ये मान के चलिए कि ऐसी परिस्थितियों का सामना करने के लिए हमें अपने जो मूलभूत हमारी स्ट्रक्चर है उसको थोड़ा कंसोलिडेट करना पड़ेगा। एक समस्या आ रही है, अक्सर आज मेरे एक मित्र से बात हो रही थी, उन्होंने कहा कि पहले गांव में जिनके पास 20 बीघा जमीन होता था, आज उनके पास 8 कट्ठा जमीन बचा है। और ये बहुत ज्यादा दिन में नहीं हुआ है, ये 10 सालों के अंतर में ही हो गया है। लोग क्या किए कि जो भूमिहार लोग थे, जो गांव में जिनके पास जमीन थी, उन लोगों ने अपनी जमीन बेचना शुरू कर दिया और बेच के छोटे मोटे जगह पे या शहरों में अपना घर बनाना शुरू कर दिया। जमीन बेच करके लोग खाना शुरू कर दिए, जमीन बेच करके लोगों ने शादी ब्याह करना शुरू कर दिया। तो क्या हुआ कि धीरे धीरे जमीन का जो जिसके आप जो आपकी पहचान थी, जो आपका आर्थिक स्रोत का एक बहुत बड़ा साधन था, वो धीरे 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 कम होता गया। और लोग इतने उदासीन हो गए कि आज जिनके पास है भी, वो भी अपनी खेती खुद नहीं करते, बल्कि वो बटाई पे, ठेके पे, कॉन्ट्रैक्ट पे, जैसे जैसे है उस तरह से दे दिए। नतीजा ये है कि हम जो हमारा मुख्य बेसिक बैकग्राउंड था, जो हमारी पहचान थी, उसको हमने भूल करके और हम नए सोर्स की तलाश में शहरों में भागना शुरू कर दिया। और शहर में बेतरतीब भाग करके जा करके ऐसी कोई नौकरी जो कि अनऑर्गेनाइज सेक्टर में है, मजदूरी, दिहाड़ी और किसी तरह का, जैसे अनऑर्गेनाइज सेक्टर हमने कहा, सेमी ऑर्गेनाइज सेक्टर है, गार्ड की नौकरी, पुलिस की नौकरी, दरबान की नौकरी और इस तरह के नौकरी जो है, मार्केटिंग में नौकरी, सप्लाई की नौकरी, इस तरीके का नौकरी लोगों ने करना शुरू कर दिया। और इसलिए कि शहर में 10 पैसा कमाने की इज्जत प्रतिष्ठा गाँव में मानी गई है, और जो लोग शहर में नहीं कमा रहे हैं उन लोगों की जो आर्थिक स्थिति है वो थोड़ा गांव में कंपैरेटिवली लो है। लेकिन विश्वास कीजिए, ये इसलिए नहीं है कि गांव के लोग कम कमा रहे हैं तो और शहर के लोग ज्यादा कमा रहे हैं, ये हमारी एक मानसिक स्तर में बहुत बड़ा मनोवैज्ञानिक रूप से बदलाव आया है। बदलाव ये आया है कि शहर से साल भर में कमा करके जाने वाले गांव की तरफ या शहर में रहने वालों को हम बहुत अच्छी निगाह से देखते हैं, उनको हम वेल एस्टेब्लिश समझते हैं, और जो गांव में हैं उनको हम लोग थोड़ा सा कम समझते हैं। ये मानसिक मनोवैज्ञानिक जो विचार है वो हर एक ग्रामीण और शहरी लोगों के बीच में एक खाई की तरह बढ़ता जा रहा है। मैं ये इसलिए कह रहा हूं कि हम भी गांव के रहने वाले हैं और हम गांव में जाते हैं तो देखते हैं कि इस तरह की खाई बहुत चौड़ी होती जा रही है, बहुत तेजी से चौड़ी होती जा रही है। नतीजा ये है कि जो गांव में है वो शहर की ओर भागना शुरू कर दिए हैं और अपने घरों में, अधिकांश, मैं एक गांव का उदाहरण लूंगा, मैं अपने ससुराल गया था एक बार बहुत पहले, तो वहां का देखा कि अलग, वो लोग भी शहर में बस गए हैं, जो लोग बूढ़े जो पूरी जिंदगी गांव में रहे हैं वो भी अब जाके शहर में बस गए हैं, शहर में रहने लगे हैं। पूरा गांव में हर एक घर पे ताला लगा हुआ है। ये अपने ही सजातीय लोगों का गांव है और वहां पे हर एक घर में, एक भी ऐसा घर नहीं है पूरा गांव में जहां पर लोग रहते हैं, कोई एक दो घर में बूढ़े लोग रहते हैं, वो भी कब रहते हैं तो आके 1-2 महीना रहते हैं फसल की कटाई के समय में, और वो जो भी अनाज वगैरह बटाई का मिलता है उसको लेते हैं और उसको बेचते हैं या 10 पैसा, क्योंकि उनका मोह है उससे, उनसे उनका लगाव है, और फिर वो अपने बच्चों के यहाँ, बेटे बेटी के यहाँ रहने के लिए चले जाते हैं। मजबूरी ये है कि उनको वहां पे रखने के बाद बच्चों की भी मजबूरियां ये है
कि भाई अब पैसा कमाए कि गांव पे रह के माँ बाप की देखभाल करे, तो माँ बाप की देखभाल करने के लिए गांव पे नहीं रह सकता। माँ बाप की मजबूरी यह है कि वो खुद से अपनी देखभाल करने में इतना सक्षम अब नहीं है, तो उनको अपनी देखभाल करवाने के लिए और बच्चों के पास रहना पड़ता है। प्लस एक जो अपनत्व है बेटे के साथ, बहू के साथ, पोते के साथ, पोती के साथ, वो उनको खींच के शहर की ओर ले जाता है। लेकिन विश्वास कीजिए, आपके भी मम्मी पापा आ रहे होंगे अगर शहर में, तो उनका 5 दिन से ज्यादा मन नहीं लगता। शहर की चकाचौंध में उनका मन नहीं लगता, उनका मन तो अपनों के बीच में ही लगता है। लेकिन मजबूरियां ऐसी है कि वो घुट घुट के शहर में रहने को मजबूर हैं, लेकिन अपने गांव वापस नहीं जा पा रहे। इन सब जो सामाजिक विषमताएं और जो बदलती परिस्थितियां हैं, इसको सुदृढ़ करने की जरूरत है। जो संयुक्त परिवार पहले था कि भाई एक आदमी दो आदमी बाहर रह रहा था और दो आदमी घर पे भी रह रहे थे, एक दो लोग चाचा और बाकी लोग घर पे रहते थे, उनका देखभाल कोई ना कोई करता रहता था और इस तरीके से होता रहता था। यहाँ कौंडिन्य जी पूछ रहे हैं कि इन सब का उपाय क्या है। बिल्कुल, मैं उपाय ही बताऊंगा, उपाय ही बताने के लिए सेशन रखा है। नमस्कार जी, और उस सब का उपाय ही हम बताएंगे कि क्या उपाय है और कैसे हम इसको दुरुस्त कर सकते हैं। तो अब ये जो चीजें आ रही है, हमें क्या करना है कि गांव के लोगों के जीवन स्तर को उठाना है, और गांव में जैसे ही लोगों की आर्थिक आमदनी बढ़ने लग जाएगी तो जो उनका जीवन स्तर है वो सुधरने लगेगा। तो शहर में जो लोग एक छोटे से 8 बाई 10 के कमरे में अपना परिवार लेके रहते हैं, 4 लोग, वो शहर से उठ के गांव पर फिर से भरोसा करना शुरू कर देंगे। जिन लोगों के पास अभी जमीनें बची है, चाहे जितनी भी जमीनें बची है उनको, और उनका शहर में अगर कोई एस्टेब्लिश जॉब नहीं है, कोई इस तरह से आपका नौकरी नहीं है जहां पे आपकी अच्छी आमदनी हो रही है, वो जिससे आपके परिवार का भरण पोषण अच्छी तरह से हो जा रहा हो, और अगर इन केस आपको सेमी ऑर्गेनाइज सेक्टर में अगर आप काम कर रहे हैं और आप नौकरी से हाथ धो बैठते हैं, तो इसको ठीक करने के लिए क्या करना है? आप एक बार फिर गांव की तरफ जाएंगे, किसी न किसी तरीके से नौकरी नहीं रहेगी तो उठ के वापस गांव तो जाना ही पड़ेगा। क्यों ना अभी से लेकर के हम ऐसी चीजों की अपने आप को एस्टेब्लिश करें, परमानेंट एस्टेब्लिश करें कि हम वहां जाके भी शहर से बहुत बेहतरीन तरीके से आर्थिक धनोपार्जन कर पाए, धन का उपार्जन कर पाए, और हम यहाँ शहर से बेहतर जीवन स्तर अपनों के बीच में जी सके। इसके लिए क्या करना होगा? इसके लिए देखिए, अभी जो समय चल रहा है, एक समय था जब जई जई आप जानते हैं, पहले घोड़ों को खिलाने के लिए, मैं बहुत छोटा था जब, तो घोड़ों को खिलाने के लिए जई रोपा जाता था खेतों में, और वो जई जो मवेशियों को खिलाया जाता था आज आदमी का सबसे प्रिय भोजन है। आप समझ सकते हैं, ये अब ओट के नाम से जाना जाता है। ओट के बिस्किट बन रहे हैं, ओट के आटे मिल रहे हैं, ओट के तरह तरह के प्रोडक्ट मिल रहे हैं, ओट का व्रत में बहुत सारी सामान मिल रही है। वो जई जो मवेशी खाते थे आज आदमी का सबसे प्रिय भोजन बन गया है, और उसका एक बिस्किट, ओट का एक डब्बे का बिस्किट जो होगा वो किसी भी बाजार में महंगी बिस्किट से के मुकाबले कम नहीं है, बहुत महंगा मिलता है। और उसको क्यों? लाइट फूड है। उस बिस्किट को खाने के बाद क्या है, उसमें भूसा ही है और कुछ नहीं है, न तो उसमें फैट कार्बोहाइड्रेट ढंग का है, न उसमें कोई फैट है, उसमें शुगर भी कम रहता है। कौन खाता है? जो लोग अपने आप को एलीट कहते हैं, जो लोग डायबिटीज के पेशेंट हैं, जो लोग शुगर और कोलेस्ट्रॉल के कॉन्शंस है, वो सब लोग इन बिस्किट को खाते हैं, और ये बिस्किट बहुत महंगी मिलती है। ऐसे ही आप विश्वास करेंगे, मैं गांव गया था और गांव जाकर के एक चक्की पे पूछा कि आटा मड़ुआ का मिलेगा क्या? मड़ुआ जिसको आप रागी कहते हैं, रागी का आटा गांव में 130 रुपए किलो बिक रहा था। ठीक है, वहां पे बिक रहा था। मैं यहाँ दिल्ली आया, यहाँ पूछा रागी का, यहाँ रागी कहते हैं उसको, रागी का आटा किसी आटे चक्की पे आप जा करके पूछिए तो यहाँ 100 रुपए किलो मिल रहा है। गांव में ज्यादा महंगा है,
यहां पर 100 रुपए किलो मिल रहा है। क्यों? यहां पर के लोगों ने उसको कमर्शियलाइज तरीके से दूसरे जगहों से प्रोड्यूस करके दूसरे राज्यों से ला करके और यहाँ पे 100 रुपए किलो बेच रहे हैं, ठीक है। और जो वहां पे है वहां पे खेती कम हो रही है। एक समय था जब बरसात शुरू होती थी, मड़ुआ की खेती होती थी, हम खेतों में जाते थे, मड़ुआ के बीज लगाते थे और वो पौधे जो है वो लगाते थे जहां तहां खोद खोद के, और बढ़िया सा मड़ुआ की फसल होती थी। और हमें याद है कि कम से कम 5-6 टन मड़ुआ तो होता ही था, 5-6 टन मड़ुआ होता था। आज पूरे गांव में 1 ग्राम मड़ुआ नहीं होता किसी के यहाँ, 1 ग्राम नहीं होता। और गेहूं लोग पैदा कर रहे हैं, गेहूं किस क्या क्या रेट का बिक रहा है? गांव में गेहूं 16 रुपए से 20 रुपए तक ज्यादा से ज्यादा बिक रहा होगा, मेरा एक अंदाजा है। शायद इसी के 14-15 रुपए हमारे गांव में, तो उससे भी कम है, इतने रुपए। क्यों? बेचने वाला हर एक आदमी है, जो पहले खरीदते थे वो सारे लोग गेहूं बेच रहे हैं। पहले हम छोटे थे, क्योंकि सारी परिस्थितियां देखे हैं, उसका एनालिसिस कर रहा हूं आपके सामने और तब आपको बता रहा हूं। जब पहले हम थे तो गेहूं बेचने के लिए खरीदने वाले बहुत लोग होते थे। हालांकि बहुत सारे हमारे पिताजी बहुत ही सहिष्णु किस्म के थे, उधार दे देते थे लोगों को खाने के लिए और पैसा कभी कभी आता रहता था, तो उधार वो मांगते थे, उनकी मजबूरी थी। आज हम देख रहे हैं मेरे भाई साहब, गेहूं जबरदस्ती उधार देते हैं लोगों को कि ले जाओ बाद में पैसे दे देना, क्योंकि सड़ रहा होता है। स्थितियां ये है कि अब लोग जबरदस्ती उधार देते हैं कि ले जाए, क्योंकि किसी को जरूरत नहीं है। हर एक गांव में जितने भी बैकवर्ड लोग थे वो सब लोग पहले गेहूं खरीदते थे, आज सबके घर में सरप्लस गेहूं है, सब लोग बेचता है। यही हाल अन्य अनाजों का भी है। तो गेहूं बोने से क्या फायदा है बताएं? 16 रुपए किलो आप गेहूं बेच रहे हैं, 100 रुपए किलो मड़ुआ आप नहीं बेचना चाहते। क्यों? क्योंकि आप मड़ुआ उपजाना नहीं चाहते, आप इसको बिलो डिग्निटी समझ रहे हैं आज भी, जबकि वही चीज सबसे सुपर और आपकी आमदनी का, आपके अर्थोपार्जन का सबसे बड़ा स्रोत हो सकता है। कुछ लोग कह सकते हैं मनी, प्रोडक्टिविटी मड़ुआ की कम होती है, गेहूं की ज्यादा होती है। अगर मड़ुआ की हम नए नए बीज आ गए हैं, आप वैज्ञानिक पद्धति से खेती करना तो शुरू करें। आप नए नए बीज, संकर बीज आ गई है, उस बीज को अगर आप रोपते हैं तो उसकी प्रोडक्टिविटी अच्छी होगी। मैं उस समय की बात कर रहा हूं, ज्वार, बाजरा, बल्टांगन, ये टंगनी, सावा, इन सब चीजों की खेती होती थी। और ये सब चीज आज बाजार में पैकेट में, इतने छोटे छोटे पैकेट में 200-200 रुपए के मिल रहे हैं। अमेजन पे ढूंढ के देखिए, फ्लिपकार्ट पे ढूंढ के देखिए, इन सब पे छोटे छोटे पैकेट के रूप में मिल रहे हैं और सैकड़ों रुपए इसके लिए वसूले जा रहे हैं। आप इन सब चीजों की खेती अगर करेंगे कमर्शियलाइज तरीके से और साइंटिफिक तरीके से, दोनों तरीके जरूरी है। आप उन बीजों की पता लगाएं जो अच्छी प्रोडक्टिविटी दे, उन साइंटिफिक तरीकों से खेती करें, अब दिन कम लग रहे हैं पहले के मुकाबले। पहले मड़ुआ 3 महीने में होता था, आज मड़ुआ 120 दिन में, सॉरी 60 दिनों में हो जाता है। ऐसे इसी संकर फसलें आ गई है, 3 महीने 4 महीने में पहले होता था ऐसे ही। तो आप उन चीजों की खेती करें जो डिमांड में है, उन चीजों की खेती मत करें जो सरप्लस है। गेहूं आप खरीद के भी खा लेंगे ना तो भी आपको सस्ता पड़ेगा। आप इन सब चीजों की जो कमर्शियल वैल्यू रखते हैं, जो आप लुप्त प्राय हो चुके हैं, उन सब चीजों की अगर खेती करते हैं अनाज में भी तो बहुत फायदेमंद है। प्लस सब्जी, फूल, फूल की खेती देखिए, पान की खेती, मशरूम की खेती, ये सारी खेती जो है ये डायरेक्ट कैश क्रॉप्स कहा जाता है, ये डायरेक्ट नगद पैसे देते हैं, ठीक है ना। तो इन सब चीजों की खेती, आप एक बात जानते हैं, जामुन का पेड़ पहले हर एक गांव में बगीचे में अक्सर हर एक आदमी को कम से कम एक जामुन का पेड़ तो होता ही होता था। नहीं हो तो एक, तो किसी किसी के पास 5-10 होता था, किसी के पास एक होता था। लीची का पेड़ होता था। अब मुजफ्फरपुर छोड़ के हम तो देखते हैं नॉर्थ बिहार में इधर की तरफ, सिवान, छपरा, गोपालगंज की तरफ लीची के पेड़ दिखते ही नहीं है, मुजफ्फरपुर में है अभी भी। लेकिन
ये सब जो जामुन का पेड़ है बेसिकली, वो जामुन का पेड़ अब दिखता नहीं है कहीं पे भी गांव में, तूत का पेड़ दिखता नहीं है। और पता है जामुन के बीज जो है वो बहुत कॉस्टली बिकता है, उसका डायबिटीज की दवाई बनाने में काम आता है। जामुन के बीज का ही बड़े बड़े आढ़ती बैठे हैं सदर बाजार में, जो सिर्फ जामुन का बीज बेचते हैं। ऐसे भी आढ़ती हैं जो नीम के सिर्फ बीज बेचते हैं। नीम के पेड़ हर एक गांव में हर एक दरवाजे पे होता था, और आज जाइए एक दातुन अगर नीम का आपको लेना हो तो बहुत सारे जैसी जगह है लोगों ने काट करके फेंक दिया। दरवाजे पे एक नीम का पेड़ होता था, उसकी छाया में, शीतल छाया में लोग बैठ के ताश वाश खेलते थे, विश्राम करते थे। आज ये सब पेड़ भी खत्म है। इन सब पेड़ों को लगाइए, इन सब पेड़ों को लगाने से इनके कमर्शियल वैल्यू बहुत ज्यादा है। आयुर्वेदिक पेड़ लगाएं, फूलों की बागवानी करें, पपीता की खेती करें, केला की खेती करें, ये सब जो है कैश क्रॉप्स है, ये डायरेक्ट आपको पैसे देंगे। और ये सब आपकी शहर में जो आप कमा पा रहे हैं, विश्वास कीजिए मैं ये उन लोगों के लिए कह रहा हूं जो सेमी ऑर्गेनाइज या अनऑर्गेनाइज सेक्टर में काम कर रहे हैं और बमुश्किल 20 से 30 हजार रुपए कमा रहे हैं। उनकी नौकरी जब जाएगी तो उनका जीवन यापन कैसे होगा, उन लोगों के लिए मैं ये बात कह रहा हूं जो 50 हजार से ऊपर कमा रहे थे और 30 हजार से 50 हजार के बीच में कमा रहे हैं। उनके पास भी अल्टरनेट तरीके हम बताएंगे, बट इन लोगों के लिए कह रहे हैं जो उनकी बहुत कम जमीन है। अगर गांव में मान लीजिए आपके पास जमीन नहीं भी है, किसी के पास जमीन कम है, तो भी आपके अड़ोस पड़ोस में बहुत से ऐसे लोग हैं जो जमीन आपको दे देंगे और एक पट्टे पे दे देंगे, उनकी जमीनों पे आप खेती कर सकते हैं। आपके भाई बंधु होंगे, आपके चाचा होंगे, आपके गांव में और भी लोग होंगे जो आपको इस सब चीजों के लिए मदद करेंगे। तो मेरा ये मानना है, क्योंकि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जैसे मैं ही हूं, मान लीजिए एग्जाम्पल अभी मेरे भाई जी वहां गाँव पे हैं तो खेती करते हैं, और हमारे जैसे और भी लोग हैं, जैसे कि हमने कहा कि एक गांव का एग्जाम्पल लिया जहां पे सब लोगों के घर में ताला बंद है, अगर एक आदमी जाए, किसी के यहाँ कोई खेती नहीं होती, उनमें से उस गांव के रहने वाले एक मेरे मित्र इधर उत्तम नगर में रहते हैं, उनसे मैं जब पूछता हूँ तो कहते हैं क्या करने जाए, बताइए वहां पे जाएंगे मुश्किल से हमको थोड़े से पैसे मिलेंगे, उससे ज्यादा तो किराया लग जाता है, एक मुश्त पैसा नहीं मिलता। जाने के बाद कहेगा जानते हैं अब गांव छोड़ के भाग रहे हैं, दे नहीं देंगे आपका पैसा, जानते नहीं हमारे फलानिया मुंह से बात चलिया। तो तरह तरह के लोगों के पास बहाने हैं, उनके पास पैसे भी नहीं है। आप 4 बार दौड़ के जाएंगे उस पैसे को सुनने के लिए, तो जितने पैसे वो सुनेंगे नहीं उससे ज्यादा का आपका किराया लग जाएगा, आपका नुकसान हो जाएगा। तो लोग ऐसे भी हैं जो कि गांव जानते नहीं हैं और वहां पर जा करके उस जो पैसे उनके खेती में अभी मिल रहे हैं वो बहुत ही कम है। आप साइंटिफिक तरीके से करेंगे, अगर कहेंगे कि ठीक है हम आपका जो भी पैसा बनेगा आपके अकाउंट में ट्रांसफर कर देंगे, आपको आने जाने की जरूरत नहीं होगी, तो बेशक मान लीजिए उनको थोड़ा कम भी पैसे देंगे तब भी वो इसके लिए खुशी खुशी राजी हो जाएंगे, क्योंकि उनको इसके लिए वसूली के लिए बार बार जाना नहीं पड़ेगा। और समय से उनका अगर भुगतान करते रहेंगे तो आपकी और उनके बीच में बॉन्डिंग अच्छी होगी, सामंजस्य अच्छा बैठेगा। इसके अतिरिक्त जो लोग 30 हजार से 50 हजार के बीच में कमा रहे हैं या 50 हजार के आसपास कमा रहे हैं, वो लोग भी अगर गांव जाएं तो साइंटिफिक तरीके से खेती करें। छोटे छोटे कमरे में आप पोल्ट्री फॉर्म बना सकते हैं, आप बीज मधुमक्खी के लिए कर सकते हैं, मधुमक्खी पालन कर सकते हैं, आप फिशरीज कर सकते हैं, आप डेयरी खोल सकते हैं, और इन सब प्रोडक्ट्स को वहां पे लोकल में मत बेचिए, बड़े बड़े ब्रांड के साथ टाई अप कीजिए। आपको अगर मार्केटिंग में दिक्कत आती है तो इसी प्लेटफॉर्म पे, इसी भूमंत्र पे भी ऐसे लोग हैं जो आपको मदद करेंगे, और हम आपको विश्वास दिलाते हैं कि आपकी पूरी मदद की जाएगी, हम भी मदद करेंगे, तरह तरह की कंपनियों से आपकी टाई अप करा देंगे और उनको आप सामान बेच सकते हैं। जैसे एलोवेरा की खेती कर रहे हैं, आप मशरूम की खेती कर रहे हैं, लोकल मार्केट में हो सकता है आपका मशरूम ना बिके तो आप उसे नेशनल मार्केट में बेचिए, उसके लिए आप टाई अप करेंगे, आपके खेत से ही आपके घर से ही पिकअप करके कंपनियां ले आएंगी और आपको वहां कैश पैसे देके जाएंगी। तो इन सब चीजों की खेती करके आप अपने जमीन से जुड़े हुए, अपने माँ बाप की सेवा करते हुए भी, अपने समाज में अपनी प्रतिष्ठा बनाते हुए भी, अपनी राजनीतिक पृष्ठभूमि को भी जीवंत रखते हुए और सामाजिक दायित्व का निर्वहन करते हुए भी बहुत अच्छा जीवन बसर कर सकते हैं। और
आने वाले समय को, जो चैलेंजिंग समय आने वाला है, उसका मुकाबला कर सकते हैं। जो लोग 50,000 या उससे ऊपर कमा रहे हैं शहरों में, अगर उनकी नौकरी चली जाती है तो क्या होगा? ऐसे लोगों को अभी से कुछ इनकम के अल्टरनेट सोर्स तलाशने चाहिए, और उनकी वाइफ्स जो हैं उनको भी कुछ ना कुछ काम करने के लिए अल्टरनेट सोर्स डेवलप करने चाहिए। मेरे ख्याल से एक सोर्स, जैसे अभी मैं आज इस सेशन में आने से पहले एक मित्र से पूछा, क्या वो भी ऐसे ही अनऑर्गेनाइज सेक्टर में काम कर रहे थे, अभी गांव गए हैं, वहीं पे फंस गए हैं, तो उनसे पूछा कि आपकी सैलरी मिल गई? अब उन्होंने बेइज्जती के डर से कि इज्जत न चली जाए कि मेरी सैलरी मिली नहीं मार्च की, मैं कहूंगा तो ये कह रहे हैं कि मेरा इनकम का और भी सोर्स है, मैं तो इंश्योरेंस वगैरह करता हूं तो वो सब पैसे तो मुझे आ ही जाते हैं। मतलब उन्होंने डायरेक्टली ये नहीं कहा कि हमारी सैलरी नहीं आई है। बाद में मैंने जोर देकर पूछा तो कह रहे हैं हाँ वो तो मार्च की तो आई गई है, लेकिन आई नहीं है, आई नहीं है। लेकिन अब देखिए, अगर उनका ये इंश्योरेंस वाला काम नहीं होता तो क्या होता? बिल्कुल सड़क पे आ जाते। इसलिए एक अल्टरनेट सोर्स डेवलप करने की बात है। मेरी वाइफ बहुत अच्छा खाना बनाती है। मैंने उसको कहा एक दिन कि क्यों ना एक ऐसा यूट्यूब पे चैनल शुरू करो, लोगों को भी बताओ कैसे खाना बनाते हैं। आए दिन आप देखती हो लोगों को कि बहुत सारे लोगों ने इसमें नाम कमाया, पैसा कमाया, फेम कमाया, किताबें लिखा, ठीक है, सरला जी की किताबें इतनी फेमस हो गई। इसी तरह से निधि मधुलिका, एक कौन मधुलिका है, उनका भी बहुत फेमस चैनल है, चलता है। तो ऐसे आप सब लोगों में कोई ना कोई गुण अवश्य होगा, जो गृहिणियां दिन भर घर में बैठी होती हैं। मैं ये नहीं कह रहा कि वो काम नहीं कर रही हैं, काम तो अवश्य कर रही है, उनसे ज्यादा कोई काम नहीं कर सकता, इसके लिए उनको सैल्यूट करता हूं। लेकिन फिर भी जो खाली समय है, आजकल व्हाट्सएप का और फेसबुक का इतना बुरी लत लग चुका है कि इनके पास जो भी कुछ समय है वो इनमें चला जाता है। इनमें से थोड़ा सा समय निकाल के आपके जो भी पैशन है, जो गुण है, आप कोई ट्यूशन सेंटर चला सकते हैं, आप कोई टेलरिंग का काम, कोई डिजाइनिंग का काम, कोई बुटीक का काम, कोई योगा क्लासेज, कोई डांस क्लासेज, कोई आप ये खाने बनाने के लिए कोई आप टिप्स दे, कोई किताबें लिखे, पोएट्री लिखे, ऑनलाइन बिक रहा है सब चीजें, किंडल पे आप कर सकते हैं, अमेजन पे कर सकते हैं, सीधा टाइप करके अपनी किताब बेच सकते हैं, उसके लिए छपवाने की जरूरत नहीं है। तो आप सब लोग कुछ ना कुछ एक अल्टरनेट सोर्स डेवलप करने की कोशिश करें। मेरा ये आग्रह है, हर एक आदमी में कोई ना कोई गुण होता है। आजकल देखने को लिए मिल रहा है इस लॉकडाउन में, हर एक आदमी का उभरता हुआ कलाकार बाहर आ रहा है लगातार, और लोग जो है तरह तरह के गाने गा रहे हैं, और विश्वास कीजिए बहुत सुंदर सुंदर गायक भी इसमें निकल के आ रहे हैं, लोगों की आवाजें बहुत अच्छी है। क्यों ना इसको भी मार्केटिंग किया जाए, क्यों ना इससे भी कुछ पैसे कमाने का जुगाड़ किया जाए। आप भोजपुरी में गा सकते हैं, आप हिंदी में गा सकते हैं, आप कोई भी भाषा में गा सकते हैं, आप इस तरह से कुछ ना कुछ तो करें। जो भी आपका पैशन है उसको आपको आगे निकालने की जरूरत है। और रवि विनीत जी नमस्कार, हर्ष रावल जी नमस्कार, और गोपाल जी राय जी नमस्कार। हाँ, गाजीपुर में एलोवेरा की खेती करना चाहें तो उसके लिए कहाँ संपर्क करें? आप पहले जो वहां का कृषि विभाग है जिला का, वहां पे संपर्क करें। अगर वहां से आपको मदद नहीं मिलती है गोपाल जी, तो आप हमें बताएं, हम आपकी पूरी मदद करेंगे, और उसको बिकने के लिए भी, बेचने के लिए भी जो भी कॉन्ट्रैक्ट होगी, जो भी सोर्सेज अवेलेबल होंगे वो आपको करवाया जाएगा। ऐसा कोई भी आप कमर्शियल क्रॉप बना सकते हैं, सोच सकते हैं जिसकी खेती करें। मशरूम की छोटी सी खेती करके बहुत अच्छा अर्न किया जा सकता है। इसके लिए एक महोदय भूमंत्र पे ही एक दिन बहुत बढ़िया प्रयास किए थे, और उन्होंने बताया था कैसे कमाएं, कैसे बचाएं और कैसे इसको इनकम का साधन बनाएं। तो यहाँ पर भी बहुत सारे इस प्लेटफॉर्म पे ऐसे विशेषज्ञ मौजूद हैं जो आपकी मदद करेंगे। जहां तक मार्केटिंग का सवाल है, इसी में से कुछ लोग निकल करके आएंगे जो एग्रो फार्मिंग करने के लिए, एग्रो मार्केटिंग करने के लिए अपने चैनल बना सकते हैं, अपनी एजेंसी बना सकते हैं, और वो भी अपने लोगों की मदद करते हुए भी अच्छा कमा सकते हैं।
फिर इसके बाद बाई प्रोडक्ट एग्रो के लिए अच्छी मशीनें लगाई जा सकती है, प्लांट बनाई जा सकती है। आप देखिए ना, 20 रुपए किलो बिकने वाला आलू 400 रुपए किलो के चिप्स के रूप में बिक रहा है। बेवकूफ कौन है? हम ही खरीद के खा रहे हैं, हमारे ही बच्चे खा रहे हैं। 12 रुपए किलो बिकने वाला जो गेहूं है, मैदा जो है, और उसका आप बना रहे हैं पिज्जा, और पिज्जा 300 रुपए का खा रहे हैं, उसमें कितने का मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट है आपको पता है? वो पिज्जा का मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट मुश्किल से 20 रुपए का होता है और बिकता है 360 रुपए का। तो कहने का मतलब ये है कि हम उसका बाई प्रोडक्ट, हम गेहूं ही क्यों, गेहूं ही उपजा रहे हैं तो उसके बाई प्रोडक्ट हम बेचें ना, हम सीधा गेहूं क्यों बेचें, हम उसका बाई प्रोडक्ट बना के बेचें। तो इस तरीके का छोटे छोटे, ये देख रहे हैं दिल्ली के आसपास में जितने सारे दुकानें हैं, उन सब दुकानों के लिए जो सप्लाई हो रही है बेकरी की, उसमें से 90% शेयर जो है वो कुटीर उद्योगों का है। लोग एक एक घरों में बैठ के बिस्किट बना रहे हैं और सप्लाई कर रहे हैं। और आप ऐसी बिस्किट अगर सिवान में या छपरा में या पटना में खरीदने जाएं आसपास में, तो बिस्किट सब कहाँ से जाता है? वो बाहर से ही जाता है, मैक्सिमम चीजें बाहर की सप्लाई होती है। आप वहां पे इसके प्रोडक्ट प्लांट लगा सकते हैं। इन चीजों मतलब हमारा ये कहने का मतलब है कि डायरेक्ट चीजें ना बेच करके उसके बाई प्रोडक्ट्स को बेचने का प्रयास करें। और ये जैसे एलोवेरा है या मशरूम है या फूल है, फूल की खेती में इतना फायदा है। आजकल एक गुलाब दिल्ली में, एक गुलाब 15 रुपए का एवरेज मिलता है, और हर एक समय में, और ये वैलेंटाइन डे वाले मौके पे तो 25-30 रुपए का मिलता है, शादी वाले मौके पे भी 25-30 रुपए का एक गुलाब मिलता है। आप 10 कट्ठा अगर गुलाब की खेती करते हैं, तो मेरा आंकड़ा है और ये अनुमानित है, लेकिन फिर भी बहुत ज्यादा साइंटिफिक तरीके से कैलकुलेटेड है, कि 10 कट्ठा अगर गुलाब की खेती करते हैं तो महीने का 25,000 रुपया आप आराम से कमा सकते हैं। ऐसे बहुत सारे क्रॉप्स हैं, यहाँ पे लिस्ट हम सारी नहीं दे सकते, लेकिन हम ये कहना चाह रहे हैं कि आने वाले समय में आप इन सब चीजों की जो चैलेंजिंग है, इससे निपटने के लिए अभी से अपनी प्लानिंग शुरू करें। ऐसा नहीं है कि देश की अर्थव्यवस्था एकदम गर्त में चली जाएगी, हो सकता है ये बहुत तेजी से बूम भी करे और बाउंस बैक कर जाए, क्योंकि वर्ल्ड की इकोनॉमी भारत की इकोनॉमी से डायरेक्टली रिलेटेड है, और वर्ल्ड में अगर स्लो डाउन होता है तो भारत में हो सकता है कि एक बेहतरीन मौका मिले। जैसे अभी देख रहे हैं कि चाइना से जापान की कंपनियां वाइंड अप कर रही हैं, अमेरिकन कंपनियां भी वाइंड अप कर रही हैं। भारत के लिए अच्छा मौका है इस समय ये ग्रैब करने का अपॉर्चुनिटी, कि यहाँ पे रोजगार का सृजन हो और ये सारी कंपनियां यहाँ पे प्लांट लगाएं। सरकार इसके लिए जरूर प्रयास कर रही होगी या करेगी ही। तो जहां पर सब कुछ खत्म होता हुआ नजर आता है, वहां से भी बहुत अच्छे परिणाम मिलते हैं। एक उदाहरण देना चाहूंगा, एक स्पोर्ट्समैन थी अरुण नीमा सिन्हा, यूपी की बरेली या उसके आसपास की कहीं की, जहां पे ट्रेन से उसको फेंक दिया था, उसके दोनों पैर कट गए थे। उसकी स्टोरी आपको यूट्यूब पे मिल जाएगी। और वो दोनों पैर कट जाने के बावजूद भी किसी, सबने उम्मीद छोड़ दी थी कि अब इसका क्या होगा, और उसने माउंट एवरेस्ट पर चढ़ाई कर ली। तो ऐसा नहीं है, 1983 में वर्ल्ड कप में इंडिया का सबको लगता था कि इनका क्या होगा, इनका कुछ हो नहीं सकता है, लेकिन इंडिया ने वर्ल्ड कप जीता। तो ऐसे बहुत सारे उदाहरण आपको मिल जाएंगे जहां पे आपको लगेगा कि यहाँ पे से अब आगे सब कुछ डार्क है, लेकिन तब भी उसमें से वो प्रकाश प्रफुटित होता है जो दिशा और दशा दोनों को बदल देता है। आप भी निराश ना हो, बस उस पैशन को जीवंत रखें जो आपकी आने वाली भविष्य की दशा और दिशा को तय करेगा। इसी शब्दों के साथ मैं आज का ये वक्तव्य खत्म करता हूं। नमस्कार।